के सारे साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, आज का दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आज सुबह हमें सूचना प्राप्त हो गई थी सीएम हाउस से कि हमको आज माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना है। आज जो नीति लागू हुई उसके ऊपर चर्चा करना थी, जिनमें जहां भी हमें इस नीति में संशोधन लग रहे थे वो बात हमें रखनी थी। माननीय मंत्री जी का, मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना था। हमें जैसे ही समय मिला माननीय मुख्यमंत्री जी का हमने बिल्कुल आभार व्यक्त किया, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दिया और साथ में ही माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने फिर से याद दिलाया कि जिस प्रकार 2018 की नीति हमें प्राप्त नहीं हुई थी तो ऐसा कुछ संशय तो नहीं है कि 2023 को लेकर भी कुछ संशय हो। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके सामने बिल्कुल स्पष्ट कहा NHM को ये नीति जरूर मिलेगी। ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी। आज हमने फिर से NHM के परिवार की बातों को माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने, ये आज मुझे लगता है कि चौथी बार हमने इस चीज़ को फेस किया और माननीय मुख्यमंत्री जी को NHM परिवार की पूरी बात को बताया। और भी उस नीति को लेके जो हमारे सीनियरिटी जो हमारे साथियों की जा रही थी उसके अंदर कुछ काच अनुबंध को लेके भी थे और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हमें लग रही थी कंडिकाएँ जिस पर हमने उस पत्र के अंदर जारी करके माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी को उस पत्र में हमने सभी जितनी भी समस्याएँ थी सब भेजी, जो आपने व्हाट्सएप पर देखा भी होगा। साथ में एक पत्र हमने आउटसोर्स के लिए भी लिखा है साथियों, आउटसोर्स निष्कासित साथी जो हमारे हैं उनके बारे में भी बाकायदा वो पत्र हमने दिया। उस पत्र के अंदर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि ये साथी भी हमारे हैं, ये भी हमारे होने चाहिए। तो आज का जो दिन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण था, जरूर ही बहुत दिन में, 2-3 दिन में आपको सूचना मिलेगी जिसमें नियमित जो है नीति में कुछ संशोधन अवश्य होंगे। साथियों धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। जैसे कि आपको विजय भाई ने बताया है कि आज विजय भाई के नेतृत्व में संघ द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष जो कल आदेश जारी हुए उसमें जो भी कमियां थी उन सभी मुद्दों पे बात की गई है। मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं संघ की ओर से कि आप किसी भी तरह की नेगेटिव बातों में ना पड़े। मुझे इस बार पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो घोषणा की गई थी, जो नीति लागू की गई है, वो 100% राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन पर लागू होगी। धन्यवाद।